लेकिन इंशाल्लाह एक तकरीर करवाना चाहता हूँ। वो तकरीर है कि इंशाल्लाह परसों याद रखेंगे, आप उठेंगे ही नहीं, मजबूर हो जाएंगे। जब उनकी तकरीरें होती है तो घंटों लोग इरादे बदल लिया करते हैं कि इरादा था कि तकरीर का वक्त जैसे बुलाया जाए, जैसे आमतौर से मुकर्रिरों को बुलाया जाता है, तो लोग अफरा तफरी का माहौल बना लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह उस खतीब को आप जब समाप्त करेंगे, अंदाज देखेंगे तो इंशाल्लाह। लेकिन आज मैं अच्छी तरह से नारे नहीं लगा सकता, इसलिए मेरी तबीयत के साथ साथ मेरे आवाज की भी तबीयत खराब है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी दुआओं से मुझे नवाजे। मुसलसल प्रोग्राम और कल का सफर मुझे करना भी है, आजमगढ़ का, खैराबाद का एक बड़ा सा मुशायरा, उसमें भी दुआ फरमाएं। एक मरतबा नबी के नाम पर चहककर लहककर सुभान अल्लाह बोल दीजिए, दोनों हाथों को उठा के। एक मरतबा और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहा, इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमा। बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठा दिया, इनके हाथों में कोई बीमारी, कोई लकवा नहीं दीजिएगा। और जो हजरात सुस्ती और काहिली में नहीं उठाए हैं, उनके लिए आज नहीं कल दुआ करूंगा। अब थोड़ा सा फंस गए हैं इस दायरे में, एक शेर पढ़ देता हूँ, पढ़ दूं? कितने आते हैं, अच्छी और सच्ची शायरी पढ़ता हूँ यार, शेर सुनो, समाप्त कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह कारी हिफ्जुर रहमान साहब का मैं मूड बना रहा हूँ, इसी माहौल के अंदर इंशाल्लाह आपके हवाले में कर दूंगा। एक नौजवान मुकर्रर, इंशाल्लाह नौजवान नकीब के बीच, नौजवान शायरों के बीच इंशाल्लाह एक अच्छी तकरीरें होंगी। शेर देखे, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। माशाल्लाह। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। एक शेर देख ले हजरात, मैं वो पढ़ता हूँ। मुजम्मिल हयात ने वर्कशॉप के जरिए एक शेर पढ़ा, कहा ये कि जियो जियो जो है वो जहन्नम कमाने का तरीका आपको अंबानी ने बताया, लेकिन मुजम्मिल हयात ने चार मिसरे के अंदर जन्नत कमाने का तरीका जियो के तरीके से बताया। उसने एक शेर पढ़ा था कि व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो, जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। ये शेर था। अब एक शेर देख ले हजरात, मैं पढ़ता हूँ, मुजम्मिल साहब आप पहुंच जाएंगे वहीं जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। शेर देखे हजरात, के कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। अब इसमें मचल जाइएगा, अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा माइक लेके कूद जाऊंगा, अब फैसला करेंगे आप। शेर देखे हजरात, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, अरे नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। मैं निहायत ही अदब-ए-इहतराम के साथ मैं अपने मुशफिक गरम फरमा मुरब्बी जनाब हजरत मौलाना कारी हिफ्जुर रहमान साहब मोहतमिम मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम वाला साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामाईन को नवाजे। الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا
اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام حضرات علماء کرام و معزز سامعین عظام، میرے نوجوان ساتھیو، غیرت مند دوستو، طالب علم بھائیو، پردے سے سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج 27 اپریل 2017 مدرسہ کریمیہ بشارت العلوم میں دستار بندی کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے جس میں ہم سب حضرات یہاں شرکت کر رہے ہیں۔ جناب قاری مزمل حیات صاحب مد ظلہ العالی کی پرخلوص دعوت پر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے اکابر علماء تشریف رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے لیے، اس علاقے کے لیے، پورے بہار کے لیے ایک عظیم علمی شخصیت دارالعلوم بالا ساس کے شیخ الحدیث، ضلع سیتامڑھی کے قاضی شریعت حضرت الحاج الشیخ مولانا محمد عمران القاسمی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ دیگر اکابر علماء بھی اسٹیج کے اوپر موجود ہیں اور انشاءاللہ ان اکابرین کی گفتگو ہونی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کا یہاں جمع ہونا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ دوستو، میں اس پروردگار کے نام سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا بات ہے، اس کے نام سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں جس کے نام کی کوئی انتہا نہیں۔ بے شک بے شک، تیرے پاک نام سے اے خدا، تیرے پاک نام سے اے خدا، میرا تن فدا، میرا من فدا۔ آئے ہائے، لگتا ہے میرا تن فدا، میرا من فدا۔ اگر تھوڑی توجہ مل جائے، جی جی، آپ کے سامنے تو میں ہوں ہی، آپ کی تو یقیناً توجہ ملے گی انشاءاللہ، کیا بات ہے، تو میرے لیے بات کرنا آسان ہو جائے گا، کیا بات ہے، اس لیے کہ جو حضرات میرے ذہن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، آدھا میں بولتا ہوں، آدھا سامنے والے کو بلواتا ہوں۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اکیلے بولتا رہوں، آپ خاموشی سے سنتے رہیں، آپ نے بھی بولنا ہوگا، اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں آگے اپنی گاڑی لے جا سکتا ہوں۔ جی جی جی، بالکل بالکل۔ تیرے پاک نام سے اے خدا، میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی کیا بات، میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ ابھی سامنے والے سے بولے بھائی، بات ملی نہیں ہے، اگر یہ انداز سننے کا آپ کا ہے تو پھر میرا انداز جو ہے وہ بدل جائے گا، پھر میں آپ سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، اس لیے کم سے کم آپ کی توجہ ہو، بات سمجھ میں آ جائے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔
तेरे पाक के नाम से ऐ खुदा मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्लाहू, अल्लाह जल्लाहू। अभी भी बात बनी नहीं, पीछे वाले अभी लग रहा है कि सोए हुए हैं जी। ये तो पहली बात तक हजरत इसी को पढ़ते रहिए जब तक सुभान अल्लाह न बोले। भाई बोलिए भाई आप लोग, पीछे वाले कम से कम जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए। अरे हाथ ऊपर करके कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। तेरे पाक के नाम से ऐ खुदा मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह जल्ल जलालहू। तेरे दर पे लाखों अग्निया, तेरे दर पे लाखों बादशाह, वो गिर गिराते रहे सदा, तेरा भेद फिर भी न खुल का, तू ही जानता है क्या है तू, अल्लाह जल्ल जलालहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखरा की सरजमीन पर आए हुए सामईन माशाल्लाह जिंदा हैं। जी जी जी, स्टेज वाले की भी कुछ तवज्जो चाहिए। जी जी जी, मुझे पीछे से आपकी जो नुसरत है वो हासिल होती रहे। जी 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 जी, तेरे पाक के नाम से ऐ खुदा मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा, मेरी बंदगी मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ल जलालहू। तेरे दर पे लाखों अग्निया, तेरे दर पे लाखों बादशाह, वो गिर गिराते रहे सदा, तेरा भेद फिर भी न खुल सका, तू ही जानता है क्या है तू, अल्लाह जल्ल जलालहू। आरी हिफ्ज़ुर रहमान साहब, मेरी आन तू, मेरी शान तू, ईमान तू, मेरा आला वहमो गुमान तू, मेरी खामोशी ऐलान तू, मेरा मैं भी तू, मेरा तू भी तू, कभी रहमतों की फिजा में तू, कभी अस्किया के सखा में तू, कभी बावफा के वफा में तू, कभी बाहया के हया में तू, शोहदा के रंगे हिना में तू। मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, तेरी सबसे ऊंची शान है, कुल्लु मन अलैहा फान है, वयबका रब्बुर रहमान है, रह जाएगा एक तू ही तू, अल्लाह जल्ल जलालहू। अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। अरे बाबा, इजलास को जिंदगी मिल गई भाई, माशाल्लाह। पीछे जो हमारे अकाबिल बैठे हैं जान डाल दिया, जो भी मैं चाहता हूँ। इरशाद, तू मेरी आन, तू मेरी शान, ईमान तू, मेरा आला वहमो, क्या बात है, क्या तसल्लुक, मेरी खामोशी ऐलान तू, मेरा मैं भी तू, मेरा तू भी तू, रहमतों की फिजा में तू, कभी अस्किया की सखा में तू, कभी बावफा के वफा में तू, शोहदा के रंगे हिना में तू। मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, तेरी सबसे ऊंची शान है, कुल्लु मन अलैहा फान है, वयबका वयबका रब्बुर रहमान है, रह जाएगा एक तू ही तू, अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह जल्ल जलालहू। मेरा इस तरह से हिसाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, मेरा इस तरह से हिसाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, मेरे सीधे हाथ किताब हो, ना हिसाब हो ना अजाब हो, रहे रूबरू आका खूबरू, रहे रूबरू आका खूबरू, अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह जल्ल जलालहू। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, क्यों
نہ کہوں مجھے جس سے سب سے زیادہ ہے محبت تو کیا بات ہے مجھے جس سے سب سے زیادہ ہے محبت تو ہے میرے توحید پرستی کی حقیقت تو ہے میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے تو میرا دین میرا ایمان میری شریکیت تو ہے میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت بات کو زبردست مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے تو علیم ہے تو حلیم ہے تیری حمد لا حد منتہا تیری ذات والا صفات سے میں صغیر ہوں تو کبیر ہے میں غریب ہوں تو امیر ہے میرا کوئی نہیں ہے آسرا تو بچا آفات سے مجھ حفظ رحمہ کی ہے یہ آرزو میرے تن کی ہے یہ جستجو جب بھی کروں میں گفتگو کروں ابتدا تیری بات سے ابتدا تیری بات سے میرے محترم ماشاءاللہ حضرات علماء کرام وہ معزز سامعین عزام اور سرزمین بخرا کے دھڑکتے دلوں آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ پروگرام اجلاس دستار بندی کے نام سے رکھا گیا ہے اور آپ تمام حضرات جو اس پروگرام کے اندر آئے ہیں وہ اسی ذہن کو بنا کر آئے ہیں کہ اس پروگرام کا جو تعلق ہے وہ پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آئی ہے اس قرآن پاک سے اس کا تعلق ہے۔ دوستو یہ اتنا عظیم پروگرام ہے اتنا بابرکت پروگرام ہے کہ اس پروگرام کا مقابلہ دنیا کا کوئی پروگرام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اونچی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی تو بہت بھیجے لیکن امام الانبیاء جس کو بنایا ہے وہ آمینہ کے در یتیم کو بنایا۔ کیا بات ہے، بے شک حق ہے۔ رسول تو بہت بھیجے لیکن خاتم الرسول جس کو بنایا ہے وہ فاطمہ کے ابا کو بنایا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ابتداء کائنات سے لے کر انتہاء کائنات تک، تاریخ کائنات سے لے کر تکوین کائنات تک، تدوین کائنات سے لے کر تصویر کائنات تک، ارض و سما سے لے کر عرش معلی تک، عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک، عالم محشر سے لے کر عالم جنت تک، میں جہاں جہاں اپنے نظر کو گھماتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے سامنے نظر آتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مجھے دمکتی اور چمکتی نظر آتی ہے جب میں عالم ارواح پر اپنی نگاہ ڈالتا ہوں۔ حضرت جب میں عالم ارواح پر اپنی نگاہ ڈالتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا پتا چلتا ہے۔ اور جب میں انتہائے کائنات پر نظر ڈالتا ہوں تو ارفع راسک یا محمد میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، عالم محشر کو دیکھتا ہوں، عالم جنت کو دیکھتا ہوں تو وہاں بھی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بالکل نمایاں نظر آتی ہے۔ میں تاریخ کائنات کا مطالعہ کرتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت سے لے کر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں تک، حضرت موسیٰ کی آرزوؤں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں تک مجھے امام الانبیاء محبوب کبریا شافی روج سزا منور غار حرا اتقی الاتقیا کان حلم و حیا معدن جود و سخا بیکر تسلیم و رضا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ملتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔
मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। सुले भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मैं तकवीन कायनात को देखता हूँ, जब मैं तकवीन कायनात का मुताला करता हूँ, जब मैं तकवीन कायनात को देखता हूँ, तब मैं सूरज से पूछता हूँ तो सूरज कहता है मैं एक मर्तबा रुका हूँ तो इमाम अंबिया की बरकत से रुका हूँ। मैं चांद से पूछता हूँ वो भी कहता है मुझसे प्यारे आका की रिफात को पूछना चाहते हो, मेरे चेहरे पर बनी हुई लकीर को देखो तुम्हें इमाम अंबिया की शान का पता चल जाएगा। मैं पहाड़ के पत्थरों से पूछता हूँ और दरख्त के पत्तों से पूछता हूँ, जर्रात से पूछता हूँ, वो भी कहते हैं अगर हमने किसी का कलमा पढ़ा है तो आमिना के दुर्रे यतीम का कलमा पढ़ा है। आगे पढ़ता हूँ तकवीन कायनात का जब मैं मुताला करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जब अरे बोलो मैं जब तदवीन कायनात का मुताला करता हूँ, अगर ऐसे आप सुनेंगे तब दोस्तों मेरी मेहनत भी जाये होगी, आपका सुनना भी जाये होगा। मैं पहले कह चुका हूँ मेरे साथ आपको भी चलना पड़ेगा और आपको भी बोलना पड़ेगा। जब मैं तदवीन कायनात को देखता हूँ तो मैं हर मसलक मजहब की किताबों का मुताला करता हूँ, मैं हर मजाहिब के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी तकरीरों को, उनकी तहरीरों को, उनकी तसनीफों को जब मैं देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? इमामुल अंबिया जनाबे नबी करीम सल्लम की तारीफ मुझे मिलती है। मैं तौरात को देखता हूँ, हुजूर की शान का अंदाजा लगता है। मैं जबूर का मुताला करता हूँ, प्यारे आका की तारीफ मिलती है। मैं इंजील के वरक को खोल कर देखता हूँ, नबी करीम सल्लम की बशारतें मिलती है। और रब्बे काबा की कसम जब मैं अल्लाह का कलाम खोलता हूँ 30 पारों में इमामुल अंबिया की सिफतें भरी पड़ी मुझे मिलती है। हाय हाय जिंदाबाद। हक है हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर्दे उठे निगाह से हाय हाय हर शय निखर गई। हाय हाय पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई। तनवीर सुबह रात के रुख पर बदल गई। तनवीर सुबह रात के रुख पर बदल गई। दस्तो जबल से नूर के कुंदे लपक पड़े। कलियों के दाम फूलों के सागर झलक पड़े। बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे। आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर। फिरदौस अक्से रेज है हर लाल अजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल बादल फिजा रहमत के छा गए। आगी सदा के सज्जद कौन है ना। क्या बात है भाई। क्या बात है। ये देखिए इनाम माशाल्लाह। अरे तकबीर नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये है जब, तेवर। जब मैं इसलिए मैंने कहा है नारे तकबीर माशाल्लाह। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जब मैं हर चीज का मुताला करता हूँ और आखिर में जाकर चूंकि ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम है और कुरान और हदीस कुरान और नबी पाक सल्लम की जात को आपके सामने लाना ये मेरा दीनी फरीजा बनता है कि मैं आपके दीन की मैं वकालत कर सकूं, मैं आपके जो मसाइल हैं उनकी मैं वकालत कर सकूं। इसलिए कि उलमाए देवबंद का मैं बेटा हूं। दोस्तों नबी का शान अगर देखना है अल्लाह के कलाम के 30 पारों के वर्क को खोलो नबी की शान बिखरी पड़ी मिलेगी। हजरत हकीमुल उम्मत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहिमहुल्लाह ने बहुत अच्छा जुमला फरमाया। हजरत लिखते हैं यूं तो पूरा कुरान मेरे नबी की शान में नाजिल किया। बेशक हक है हक है हक है। दोस्तों हजरत हकीमुल उम्मत लिखते हैं यूं तो पूरा कुरान मेरे नबी के शान में नाजिल किया गया है लेकिन अल्लाह ने कुरान में जो एक आयत नाजिल फरमाई है
वरफाना लका जिक्रा, ये इतनी बड़ी आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है कि इससे जो हुजूर की शान का अंदाजा लगता है, कुरान के 30 पारों को कोई पढ़ जाए, कुरान के जो क्या कहते हैं 3,21,222 हुरूफ हैं उसको कोई देख ले, वरफाना लका जिक्रा की जो आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, इसमें अल्लाह ने प्यारे आका की रिफत को बयान किया है, शान को बयान किया है, तकद्दस को बयान किया है, तहारत को बयान किया है, पाकीज़गी को बयान किया है, शजाअत को बयान किया है, बहादुरी को बयान किया है, अखलाक को बयान किया है, किरदार को बयान किया है, खूबसूरती को बयान किया है, जमाल को बयान किया है, गुफ्तार को बयान किया है, मुआशरे को बयान किया है, यहाँ तक के प्यारे आका की 63 साल जिंदगी को निचोड़ अल्लाह ने अपने 30 पारों में नाजिल फरमा दी। नारा तकबीर, नारा तकबीर। आप पारों में दोस्तों, मैं तखयुलात का आदमी हूँ। क्या बात है, मैं तसव्वुरात का आदमी हूँ, मैं तखय्युल में जाकर सोचता हूँ, तसव्वुर के मैदान में जाता हूँ, मैं अपने रब से सवाल करता हूँ, या अल्लाह ये जो आपने कुरान में फरमाया वरफाना लका जिक्रा, ये कौन सी बड़ी बात है, तेरे तो जितने नबी आए सारे पाकीज़ा हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे मुतहर हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे अरफा हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे आला हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे हुस्न जमाल के पैकर हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे अबयज़ो अनवर हैं, तेरे तो जितने नबी आए सारे मुतहर और मुकद्दस हैं, तूने अपने इस नबी के बारे में वरफाना लका जिक्र क्यों फरमाया, ए अल्लाह तेरा वो नबी भी तो आला था जिसको तूने पैदा करके मस्जिद मलाइका बनाकर मकीने जन्नत बना दिया, ए अल्लाह तेरा वो नबी भी तो आला था जिसने तेरे दीन की अजमत के लिए सारे 900 साल तक अपने जिस्म पर पत्थर बर्दाश्त किए, ए अल्लाह तेरा नबी तो वो भी आला था जिसने 40 साल का गिरिया अदा किया, ए अल्लाह तेरा वो नबी भी तो आला था जिसको तूने कुएं से निकालकर मिस्र के ताजो तख्त का वारिस बना दिया, ए अल्लाह तेरा वो नबी भी तो आला था जिसके लिए आग में तूने नारे नमरूद के अंदर जन्नत के बागीचे लगा दिए, तेरा वो नबी भी तो आला था जिसकी एरियो की बरकत से आबे जमजम के चश्मे बहा दिए, तेरा वो नबी भी तो आला था जिसको जिन्नातों और इंसानों का बादशाह बना दिया, तेरा वो नबी भी तो आला था जिसकी फूकों से मुर्दों को जिंदा कर दिया, तेरा वो नबी भी तो आला था जिसकी उंगलियों की बरकत से पत्थर से ऊंटनी पैदा कर दी, तेरा वो नबी भी तो आला था जिसको तूने पूरे सीना के ऊपर जलवे दिखा दिए, तेरा वो नबी भी तो आला था। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत से तखय्युलात के अंदर तसव्वुरात के अंदर ये गुनहगार सवाल करता है, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, तेरे सारे नबी मुकद्दस, तेरे सारे नबी मुतहर, फिर तूने इस नबी के बारे में वरफाना लका जिक्र क्यों कहा, वरफाना लका जिक्र। मेरे गयूर मुसलमानों, बुखरा की सरजमीन के दमकते और चमकते हुए हीरो, गौर से सुनना, मुझे तखय्युलात के अंदर ही तसव्वुरात के अंदर ही जवाब मिलता है, क्या जवाब मिलता है, यकीनन यकीनन मेरे सारे नबी आला है, यकीनन मेरे सारे नबी मुकद्दस, यकीनन मेरे सारे नबी मुतहर, यकीनन मेरे सारे नबी मुनव्वर, यकीनन मेरे सारे नबी बाबरकत, लेकिन मैंने अपने महबूब के कदमों में वो सआदतें रख दी हैं कि मेरा मदनी मक्के में आया, मुकर्रमा बन गया, मदीने गया, मुनव्वरा बन गया, आमिना के गोद में आया, आमिना का शान उनका हो गया, हलीमा के गोद में आया, दाइयों का सरदार बन गई, हलीमा की ओटनी पर आया, हलीमा की ओटनी तमाम ओटनियों की सरदार हो गई, गारे हिरा गारे सौर की वादी में आया, मैंने कुरान में उसका जिक्र कर दिया, सिद्दीक अकबर के घर पर आया, मैंने सहाबा का सरदार बना दिया, मेरा नबी का कदम अम्मा आयशा के हुजरे में आया, मैंने उस हुजरे को जन्नत के टुकड़ों का सरदार बना जिंदाबाद। वो आराइश नस्बत दीन है, वो वहदत के लहजे में यासीन है, क्या बात है, वो बदरुद्दुजा है, वो शम्सुद्दुजा, वो वशम से वल्लैल ज़ुल्फ़े सिया, वो देखे तबस्सुम से जन्नत बने, वो बोले तो मोती खनकने लगे, जो पड़ जाए पत्थरों पर क्या बात है, दरिया भी पढ़ने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। लगता है कि पीछे वाले सो चुके हैं, जो खड़े बोले भाई बोले, क्या बात है, पीछे वाले सो रहे हैं, मैं आपके नबी की बात कर रहा हूँ, जी जी जी, मैं आपके नबी की बात कर रहा हूँ, मैं आपके अकीदे की बात कर रहा हूँ,
मैं आपका आपके उलमाए देवबंद की जूती में बैठने वाला एक अदना से अदना सा तालिब इल्म हूँ। मैं आपके मसलक की तर्जमानी कर रहा हूँ। क्या बात है। वो वहदत के लहजे में यासीन है, वो बदरुद दुजा है, वो शमसुद दुहा, वो वशम से वल्लैल ज़ुल्फे सिया, वो देखे तबस्सुम से जन्नत बने, वो बोले तो मोती खनकने लगे, जो पर जाए पत्थरों पर उनकी निगाह, तो कंकरियां भी पड़ने लगे लाइला, वो सुल्तान है दोनों कोने निगाह, वो सरदार है सारे नूरो बशर का, वो पलके उठाए अगर पर जमी बकरा के खजूर मुसलमान वो पल के उठाए अगर पर जमी तो मेहताब हो जाए टुकड़े। सुभान अल्लाह, बात को क्या बात है। पल के उठाए ये मेरे नबी की शान है। तो मेहताब हो जाए टुकड़े वही जो उनके लिए तुम्हारे अकीदे की बात कर रहा हूँ, जो उनके लिए बेअदब हो गया तो समझो कि वो बुलाब हो गया। क्या बात, जो उनके लिए अदब हो गया तो समझो कि वो बूलहब हो गया। मसर्रत से झूमे मेरे जिंदगी के नबियों की महफिल मुकम्मल हुई, सुराही में आबे बका घोल। बुखरा के लोगों, सुराही में के बाद तो तुम्हें ये होगा कि ये तो आब की बात करो ही सुराही की बात करो। नीतीश कुमार ने तो इस पर बैंड लगा दिया है। क्या बात है, बहुत दिन से इसके ऊपर कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन जब सूबे के वजीर आला ना इसके ऊपर मेहनत शुरू की, सारे लोगों को समझ में ऐसी आई कि बिहार छोड़कर पंजाब का रुख करने लगे। क्या बात है, बेशक हक है, अच्छा सर्वे है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुराही में जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं कर रहा। क्या बात, जो सूस में तुम समझ रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा, ये वो सुराही है। आए हर सो नशे की दुकान खोल दो, बना मैं कदा उसमें ईमान का। क्या बात है, तराजू हो फिर उसमें कुरान का। क्या बात है, सजा उस तराजू में तौहीद को, बढ़े खुद बखुद अदल ताईद को, ये मैं है नजाते कुफर का सबब, शराबन तहूरा है उनका लकब। नहीं बुखरा वालो, ये ना सोचो कि मैं भी आया हूँ मुझ पर भी बरस जाएगी, वो आया है उस पर भी बरस जाएगी। ये मैं इस कदर भी तो सस्ती नहीं, ये मैं इस कदर भी तो सस्ती नहीं। दोस्तों गैयूर मुसलमानों, मैं आपके बैठने की कीमत को समझ रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो कुरान है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, ये दोनों ऐसी है कि दोनों के बगैर या दो किसी एक के बगैर इंसान नजात हासिल नहीं कर सकता। क्या बात, हक है, इंसान नजात हासिल नहीं कर सकता। दोनों चाहिए, अल्लाह का कलाम भी चाहिए, प्यारे आका का फरमान भी चाहिए। हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो रफाना लका जिक्र, अल्लाह ने ये आयत जो नाजिल फरमाई है, ये इतनी बुलंद और बाला आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, मैं आगे बढ़कर कहता हूँ ये उतनी ऊंची आयत है कि अगर तहत सरा में अल्लाह का नाम है, तहत सरा में नबी का नाम है, सात जमीनों पर अगर अल्लाह का नाम है, सात जमीनों पर पैगम्बर का नाम है, हवा फजा खला पे अगर अल्लाह का नाम है, हवा फजा खला में मेरे पैगम्बर का नाम है, रूहे जमीन पर पहाड़ों के पत्थरों पर अगर खुदा का नाम है, पहाड़ों के पत्थरों पर मेरे नबी का नाम है, दरख्त के पत्तों पर अगर अल्लाह का नाम है, दरख्त के पत्तों पर मेरे पैगंबर का नाम है, मैं आगे बढ़ता हूँ, अजान में अगर खुदा का नाम, अजान में मेरे महबूब का नाम, इकामत में अल्लाह का नाम, इकामत में नबी का नाम, नमाज में अल्लाह का नाम, नमाज में नबी का नाम, दुरूद में अल्लाह का नाम, दुरूद में नबी का नाम, तशहुद में अल्लाह का नाम, तशहुद में नबी का नाम, अजान में मेरे अल्लाह का नाम, अजान में मेरे पैगंबर का नाम, और नमाज़े जनाजा में अल्लाह का नाम, नमाज़े जनाजा में मेरे पैगंबर का नाम, सिदरतुल मुंतहा पर खुदा का नाम, सिदरतुल मुंतहा पर मेरे महबूब का नाम। यहां से और आगे बढ़ो, बैतुल्लाह में अगर अल्लाह का नाम, बैतुल्लाह में पैगंबर का नाम, बैते मक़दस में खुदा का नाम, बैते मक़दस में मेरे पैगंबर का नाम, बैते इज्जत पर अल्लाह का नाम, बैते इज्जत पर मेरे पैगंबर का नाम, उससे आगे बढ़ पुलसरात में अगर खुदा का नाम, पुलसरात में मेरे नबी का नाम, उससे आगे बढ़ जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर अगर आमिना के दुर्रे यतीम का नाम, तो जन्नत के दरख्त के पत्तों पर मेरे रब का नाम, अर्शे मुअल्ला के पेशानी पर अगर खुदा का नाम, तो अर्शे मुअल्ला के पाए पर
آمینہ کے در یتیم کا نام، اس لیے تو رب نے فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیری شان اتنی اونچی ہے کہ جہاں جہاں میرا نام وہاں وہاں تیرا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، سیرت کا یہ اعلیٰ معیار ہے ماشاءاللہ۔ بے شک بے شک، حق ہے امام مظفر صاحب رحمانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں 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 میرے محبوب، کیا بات ہے، میرے محبوب تیرا نام، اس لیے میں کہا کرتا ہوں، بے شک میں کہا کرتا ہوں، قرآن قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، دیوان نظر، ارے مومنوں کم سے کم تمہارا دل اس پر مچل جانا چاہیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بولو بھائی سبحان اللہ، تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، نظر آیا تیری صورت تیری سیرت کا، تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہے تیری آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ، کیا بات، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر، قرآن بہت خوب، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب ماشاءاللہ۔ دوستو دوستو یہ دستار بندی کا پروگرام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میں اسی چیز کو بتا رہا ہوں کہ جب اماں عائشہ سے فرمایا گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیجئے، اماں عائشہ جو میری بھی ماں ہے تمہاری بھی ماں ہے پوری امت کی ماں ہے، وہ کیا فرماتی ہے، قال خلقہ القرآن، کہ سارا کا سارا قرآن یہ میرے محبوب کی سیرت ہے، بے شک سارا کا سارا قرآن یہ میرے نبی کی صورت ہے، سارا کا سارا قرآن یہ میرے نبی کی شان ہے، سارا کا سارا قرآن یہ میرے نبی کا مقام ہے، اس لیے دوستو یہ قرآن جس کی دستار بندی ہونی ہے، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن جو مدینہ کے اندر سو رہا ہے وہ قرآن بھی اعلیٰ، میں کہتا ہوں جو قرآن 30 پاروں میں ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، جو مدینہ کی گلیوں میں پھرتا رہا وہ بھی اعلیٰ ہے، میں کہتا ہوں یہ قرآن بھی اعلیٰ وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی حسین وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی جمیل وہ قرآن بھی جمیل، یہ قرآن بھی مقدس وہ قرآن بھی مقدس، یہ قرآن بھی مطہر وہ قرآن بھی مطہر، یہ قرآن بھی پاکیزہ وہ قرآن بھی پاکیزہ، یہ قرآن بھی نرالا وہ قرآن بھی نرالا، اگر یہ قرآن بھی جو 30 پاروں میں ہے وہ بھی نرالا ہے، اور وہ قرآن جو وضحا کے چہرے والا ہے وہ بھی حسین ہے، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، بات خوب ماشاءاللہ۔ فرق کیا ہے، فرق کیا ہے، فرق کیا ہے میرے میرے نبی کے غیور امتیوں، فرق کیا ہے، فرق کیا ہے، اسی میں لوگ الجھ جاتے ہیں، اسی میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فرق کیا ہے، فرق کیا ہے، یہ قرآن جو ہے وہ واعظ ہے، اور وہ قرآن جو مدینہ میں ہے وہ واعظ ہے، یہ قرآن جو ہے متن ہے، وہ قرآن جو ہے تشریح ہے، یہ قرآن تشریح ہے، وہ قرآن تفسیر ہے، اور جو اس قرآن کو پڑھے وہ قاری کہلائے، جو اس قرآن کو پڑھے صحابی کہلائے، اس یہ قرآن جس کے گود میں ہے وہ رحل کہلاتا ہے، اور وہ قرآن جس کے گود میں ہے وہ صدیق اکبر کہلاتا ہے، زندہ باد، ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رحل کی گود میں، اور وہ حضرت وہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تاکہ کم سے کم آپ کی جو پیچھے والی روحانی طاقت ہے حل کی گود میں ہے، کیا بات، اس طرح کی گود میں، آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ادنا سا طالب علم ہوں میں، آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور یہ چیز جو مجھے ملی ہے دوستو کہیں ادھر ادھر سے نہیں ملی ہے، بلکہ یہ جو میں بتا رہا ہوں میں نے پڑھا ہے اپنے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحنان رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا ہے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی سے، انہوں نے پڑھا ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، انہوں نے پڑھا ہے حجت الاسلام بانی دار العلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے پڑھا ہے شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے پڑھا ہے شاہ محمد اسحاق سے، انہوں نے پڑھا ہے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے پڑھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے پڑھا ہے شیخ ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے پڑھا ہے ابراہیم قرطبی سے، انہوں نے پڑھا ہے عبداللہ گنگوہی سے، انہوں نے پڑھا ہے محمد طاہر پٹنی سے، انہوں نے پڑھا ہے عبد القدوس سے، انہوں نے پڑھا ہے
है, जलालुद्दीन से उन्होंने पढ़ा है, हुसामुद्दीन से उन्होंने पढ़ा है, रबी इब्ने सबी से उन्होंने पढ़ा है, मोहम्मद इब्ने अहमद से उन्होंने पढ़ा है, मोहम्मद इब्ने आरिफ से उन्होंने पढ़ा है, अबू ईसा इमाम तिर्मिजी से उन्होंने पढ़ा है, मोहम्मद इस्माइल इमाम बुखारी से उन्होंने पढ़ा है, हजरत यहया इब्ने मुईन से उन्होंने पढ़ा है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से उन्होंने पढ़ा है, नुमान इब्ने साबित इमाम आजम अबू हनीफा से उन्होंने पढ़ा है, हजरत हम्माद से उन्होंने पढ़ा है, हजरत इब्राहिम अन्नकी से उन्होंने पढ़ा है, हजरत अलकमा इब्ने कैस से उन्होंने पढ़ा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से और उन्होंने पढ़ा है, इमाम उल अंबिया जनाब नबी करीम दोस्तों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम। मेरा वक्त खत्म तो नहीं हो गया, चल रहा है, आप खामोश है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त खत्म हो गया। आधा आप बोलिए, आधा जी 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 बिल्कुल हजरत का हुकुम है। जी जी हजरत हुकुम, हजरत का बहुत दिनों के बाद दीदार हो रहा है। जी हजरत, पहले बाला साहब की सरजमीन पे तशरीफ लाए थे। जी हजरत, जलसे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। हाय हाय, कुरान खोलो नबी को पढ़ो, कुरान खोलो नबी को सुनो, कुरान खोलो खोलो नबी को देखो, कुरान खोलो नबी की जिंदगी को देखो। अल्लाह ने कुरान में खोल खोल कर, अच्छा आप देखें, हमारे उलमा बैठे हैं, बड़े वसूक के साथ मैं बात कर रहा हूँ, बड़े वसूक के साथ। पहली वही कब आई, पहली वही कब आई, 40 साल की उम्र पर कब आई, 40 साल। बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार, तुम्हारा ईमान भी तो बोलना चाहिए, तुम्हारा ईमान भी तो बोलना चाहिए। अल्लाह के हबीब को पहली वही कब दी गई, 40 साल। पहली कुरान की आयत कब नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, 40 साल के बाद। उसमें इख्तलाफ है, महीना दिन में नहीं बता रहा, 40 साल तक का जो अरसा होता है वो बहुत बड़ा अरसा होता है। क्या बात है, अरे गांव में रहने वाला आदमी तो 2 दिन में पहचाना जाता है, ये शरीर है कि सही है, ये अखलाक वाला है कि बद अखलाक है, ये अच्छा है या बुरा है। तो ये तो 40 साल का अरसा गुजरा, मक्का की धरती पर आमीना का दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लम ने 40 साल गुजारा, 40 साल तक कोई वही नहीं आई, कोई अल्लाह का कलाम नहीं आया, कोई आयत नाजिल नहीं हुई। 40 साल का मुआशरा जब मक्का के धरती वालों ने देख लिया, 40 साल की जिंदगी जब मक्का के मुशरिकों के सामने आ गई, 40 साल का अरसा जब अरब की धरती के ऊपर छा गई, तब अल्लाह ने वही नाजिल की। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कुरान जो है मेरे महबूब के मुताबिकत में नाजिल किया गया। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं सबूत देता हूं, बात खत्म कर, कारी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसका मैं सबूत देता हूं, बात खत्म करने से पहले, फिर मैं क्यों ना कहूं कि मेरा नबी उठे तो कुरान बोल पड़े, मेरा नबी चले तो कुरान बोल पड़े, मेरा नबी मुस्कुराए तो कुरान बोल पड़े, मेरा नबी का अखलाक आए तो कुरान बोल पड़े, मेरे नबी की जिंदगी आए तो कुरान बोल पड़े, मेरे नबी का मुआशरा आए तो कुरान बोल पड़े, मेरे नबी का दस्तरखान सजे तो कुरान बोल पड़े, मेरे नबी की तबलीग आए तो कुरान बोल पड़े, मेरे नबी की औलाद की तरबियत आए तो कुरान बोल पड़े, यहाँ तक के अल्लाह का हबीब नीचे बैठे हुए उंगली का इशारा करे तो अल्लाह ताला क़िबला को बदल डाले। सुभान अल्लाह, बात को मैं अल्लाह से पूछता हूँ कि मैं जो ये बात इतने बड़े मजमे के बीच में कर रहा हूँ, ए अल्लाह, इसमें कोई सच्चाई है तो नहीं? कल बुखरा के नौजवान कह देंगे कि बाला साथ का एक पागल आकर उसने उलट सुलट बातें की, लेकिन जितनी बात मैंने की है दोस्तों, मेरी लफाजी नहीं थी बल्कि किसी न किसी हदीस के टुकड़े का मैंने तर्जमा किया है। मैं अल्लाह से पूछता हूँ, मेरे अल्लाह तू बता, नबी का चेहरा तू बता, कुरान कहता है वह दुहा, ए अल्लाह तू नबी की जुल्फे बता, कुरान कहता है वह लई लिजा सजा, ए अल्लाह तू नबी की नजर बता, कुरान कहता है माजागल बसरु अमा तगा, ए अल्लाह तू नबी की आंखें बता, कुरान कहता है अलम यजअल्लाहु ऐनैन, ए अल्लाह तू नबी के लब बता, कुरान कहता है वलिसान व शफतैन, ए अल्लाह नबी के दांत बता, कुरान कहता है यासीन, ए अल्लाह नबी की पेशानी बता, कुरान कहता है वल कमर, ए अल्लाह नबी की नबूवत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबी, ए अल्लाह नबी की रिसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल, ए अल्लाह नबी की चादर बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दसिर, ए अल्लाह नबी की कंबल बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिर, ए अल्लाह नबी के सिफात बता, कुरान कहता है शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरन।